हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। क्योंकि हर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग होता है, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉट एजुकेशन, ये माइंड का गेम होता है। ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति ने 10 दिन में सीखा है तो दूसरा क्यों नहीं, क्योंकि 10 दिन लगता है, किसी को 15 दिन लगता है, किसी को महीना भी लगता है। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं और क्या कॉन्फिडेंस लेवल है उनको, कितना परसेंटेज अभी ड्राइविंग आ चुकी है और क्या क्या चीज़ें मैंने अभी तक उनको सिखाया और आज क्या सिखाने वाला हूँ। सो गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर ऋषि पाल। ऋषि पाल जी, आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ। ओके, तो अभी कौन सी गियर में कार चला रहे हैं आप? सर सेकंड गियर में कार चला रहे हैं। डे कौन सा है आज आपका? सेकंड डे। सेकंड डे है। आपको मेरा कांटेक्ट नंबर कहाँ से मिला? सर दोस्त। अच्छा, दोस्त के थ्रू मिला। तो आज हम लोग बात करने वाले, आज आपका डे सेकंड है कार सीखने का, तो हम लोग बात करने वाले हैं क्लच के बारे में, कि क्लच का क्या वर्क होता है, क्लच का क्या वर्क होता है, क्लच को हमें फुल कब लेना चाहिए, हाफ कब लेना चाहिए, है ना, क्लच को कब लेना चाहिए, हाफ कब लेना चाहिए, कौन से गियर में फुल क्लच ले सकते हैं, कौन से गियर में हाफ क्लच ले सकते हैं, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में कितना क्लच यूज होता है, थर्ड एंड फोर्थ गियर में कितना क्लच। तो आज हम फर्स्ट और सेकंड गियर में ही बात करेंगे, थर्ड और फोर्थ गियर की भी नीड नहीं है, थर्ड और फोर्थ गियर की भी नीड नहीं है, तो सिर्फ हम फर्स्ट और सेकंड गियर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट और सेकंड गियर होता है, क्योंकि कार को स्टार्ट करने के लिए हमें फर्स्ट गियर की नीड होती है, कार को थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करने के लिए 10-20 की सेकंड गियर की नीड होती है, क्योंकि जो विगनर हैं, जो विगनर होते हैं, तो विगनर थर्ड और फोर्थ गियर में कार को नहीं चला सकते हैं, तो वहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड गियर, कार को स्टॉप करना है तो पूरा क्लच देन ब्रेक, कार को स्टॉप करना है तो पूरा क्लच देन ब्रेक, कार को वापस मूव करना है तो पहले पूरा ब्रेक रिलीज करेंगे। कार को फर्स्ट गियर में, अगर आपने सेकंड गियर में कार को रोक दिया है तो आप उसको पहले फर्स्ट गियर में करोगे, फिर ब्रेक को रिलीज करोगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लच को रिलीज करोगे। फर्स्ट गियर में ही कार को हमेशा मूव करना होता है, कार को रोका किसी भी गियर में जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसको वापस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट गियर करना ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे मैं 2-3 टिप्स आपको बताऊँगा जो कि काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो अभी हम चल रहे हैं सेकेंड गियर में, तो सेकेंड गियर की जो मिनिमम स्पीड होती है वो होती है 10, मैक्सिमम होती है 20, कुछ लोग 20 to 30 भी बोल देते हैं सेकंड गियर में, मैंने भी बोला है बहुत सारी वीडियोस में, 0-10 फर्स्ट होता है, 10-20 सेकंड गियर होता है। तो अभी आप इसको लेफ्ट में लेके आइए कार को अपनी, ठीक है, अभी आप सेकंड गियर में चल रहे हो और फुल क्लच दबा लीजिए, ब्रेक नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है माई डियर, मैंने बोला फुल क्लच दबा लीजिए। गियर को क्यों आप टच कर रहे थे? मैंने तो बोला ही नहीं गियर लगाने के लिए, बोला कुछ? मैंने बोला फुल क्लच दबा लीजिए, फुल क्लच दबाया, ब्रेक 1% भी यूज़ मत करिएगा, ठीक है, ठीक है, ब्रेक पे पैर है बट यूज़ मत करिएगा, कार को अपना लेफ्ट ही रखिएगा। सो दोस्तों, कार है अभी यहाँ पे हमारी सेकंड गियर में, आप देख सकते हैं, और इन्होंने फुल क्लच दबाया। फुल क्लच कितने मीटर पहले दबाया था आपने? 1 सेकंड पहले। 1 सेकंड पहले? भाई 1 सेकंड नहीं, अब तक के तो 1 मिनट हो चुका होगा, 1 सेकंड और 1 मिनट में बहुत फ़र्क होता है। आपने 50 मीटर पहले क्लच दबाया था, 50 मीटर पहले, और कार आपकी रुक गई है, तो यहाँ पे आपने 1% भी ब्रेक नहीं लगाया, फिर भी कार आपकी प्रॉपर खड़ी हो चुकी, तो इंजन और गियर दोनों डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, कार ऑलरेडी आपकी गियर में है पर इंजन और गियर दोनों डिस्कनेक्ट हो चुके, क्योंकि आपने यहाँ पे 100% क्लच ले लिया। तो 100% क्लच लेने का मतलब ये था कि आपने गियर इंजन को फ्री कर दिया, इंजन ऑन है बट उसने गियर को पूरी तरीके से हटा दिया, समझ में आया? तो फुल क्लच लेना होता है गियर बदलते वक्त, फुल क्लच लेना होता है कार को स्टॉप करते वक्त, प्रॉपर फुल गाड़ी रोकते वक्त फुल क्लच लेना होता है कि इंजन को हम फ्री कर दें पूरी तरीके से। अब वो किसी भी कंडीशन में आप कर सकते हो, टर्निंग पे कर सकते हो, स्पीड ब्रेकर पे कर सकते हो, गियर बदलते वक्त कर सकते हो, कार को रोकते वक्त कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अभी आपने कार रुक गई, अब वापस इसको बढ़ाना है, तो क्या करेंगे आप? पहले फर्स्ट गियर, तो आप पहले फर्स्ट गियर करो, गियर को ऐसे नहीं, फर्स्ट गियर लगाने के लिए हाथ यहाँ लगाते हैं, यहाँ यहाँ पे, अरे यहाँ पे भाई, ये अब इधर दबा के ऊपर जाओ, ये लग गया फर्स्ट गियर। अगर आप इधर हाथ लगाते तो फर्स्ट की जगह थर्ड गियर लगता, समझ गए? अब आप ब्रेक को फ्री रखेंगे, पैर ब्रेक पे रहेगा, पैर ब्रेक पे रखो टच करके, आधा पैर ब्रेक पे आधा साइड में है, प्रॉपर पैर, हाँ। अब 1-2-3-4 करके आप क्लच को रिलीज करेंगे, स्टीयरिंग सीधा रखो एकदम सेंटर पॉइंट, नहीं है सीधा, नहीं है सीधा,
नहीं है मेरे भाई, देखो तब पता चलेगा ना, ये सीधा है अब। हाँ चलो अभी क्लच को रिलीज करो और कार अपनी लेफ्ट में रखो, बीच रोड पे हम खड़े हैं क्योंकि मैं अभी कई बार और रुकवाऊंगा गाड़ी। चलो क्लच छोड़ो, बस थोड़ा सा और, बस इससे ज्यादा नहीं। अब देखो ये बिना एक्सीलेटर कार आपकी मूव करने लगी तो फर्स्ट गियर में हमें एक्सीलेटर की दूर दूर तक जरूरत नहीं होती, क्योंकि 0 RPM पे ऑलरेडी इतना पावर होता है कि फर्स्ट गियर में और रिवर्स गियर में कार आपकी अपने आप ऑटोमेटिक उठ जाती है, अगर आपने क्लच को इक्वल प्रेशर से रिलीज किया 1 2 3 4 5 करके। अगर आपने क्लच को झटके से छोड़ा 1 10 20 तो कार का इंजन बुझ जाएगा। अभी लेफ्ट वाली लाइन में आओ और कार लेफ्ट लेके आओ। बट आप इस मिरर को क्यों नहीं देख रहे हैं जब आप अपनी कार को लेफ्ट लेके आ रहे हैं? तो आपको इस मिरर में दिखेगा ना कि आपके पीछे बाइक आ रही, कार आ रहा, ट्रक आ रहा है, क्या आ रहा है, क्यों? तो ये देखना इम्पोर्टेंट है या ये देखना इम्पोर्टेंट है? वहां तो नजर हमारी ऑटोमेटिक जा रही है, और लेफ्ट लेके आइए। क्लच को आप पूरी तरीके से फ्री कर सकते हो भाई, कार जब हमारी 2 से 3 मीटर मूव कर जाए तो हम पूरी तरीके से क्लच को रिलीज कर सकते हो, और ये हाथ यहाँ नीचे नहीं आएगा, ये हाथ इसी लेवल में रहेगा, ठीक है? अभी आप फुल क्लच दबा लो, फिर दबा लिया जी सर। अब ध्यान देना कि कितने मीटर पे गाड़ी हमारी रुक रही है। अभी आपने सेकंड गियर में फुल क्लच दबाया था तो कार आपकी रुकी थी 50 मीटर अबव। अभी आप फर्स्ट गियर में आपने पूरा क्लच दबाया तो कितने मीटर में कार रुक गई? 20 मीटर भाई मेरे, 5 से 10 मीटर, 10 मीटर भी कम्प्लीट नहीं हो। बड़ा लंबा ले लेते हो भाई आप, इतना लंबा ले लेते हो, 1 मिनट को 1 सेकंड कह रहे हो, है 5 मीटर को आप 20 मीटर कह रहे हो। ये अभी 10 मीटर भी कम्प्लीट नहीं हुआ, 10 मीटर भी कम्प्लीट नहीं हुआ, ठीक है? 10 मीटर अच्छा खासा स्पेस होता है, 10 मीटर इतना होगा लगभग, मान के चलो ये जो सामने पोल दिख रहा है इतना 10 मीटर होता है। मीटर की बात कर रहा हूँ, फिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अब आपकी कार रुक गई, अब आपको क्या करना है वापस बढ़ाने के लिए? पहले, अरे सेकंड गियर में क्यों आना है मेरे भाई, वापस स्टार्ट करने के लिए तो फर्स्ट गियर ही होता है, सेकंड गियर कहाँ होता है वापस बढ़ाने के लिए? तो फर्स्ट गियर में ऑलरेडी आप हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस ब्रेक को फ्री रखना है, ब्रेक दबानी होना चाहिए जरा सा भी। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है, अपने राइट वाले एक बार मिरर को रिकॉल करना है, एक बार लेफ्ट वाले मिरर को रिकॉल करना है, एक बार इस लुकिंग ग्लास को करना है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपकी कार के लेफ्ट और राइट में कोई चल तो नहीं रहा है। चलो अभी धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, बस ज्यादा नहीं छोड़ना, इससे ज्यादा कार आपकी 3 से 5 मीटर जैसे मूव करे पूरा क्लच रिलीज कर दो, पैर वहीं रहेगा, पैर नहीं हटेगा, ना ब्रेक से हटेगा ना क्लच से हटेगा, ठीक है? अब देखो सामने आ रहा है स्पीड ब्रेकर आ रहा है, बट हमें कार को आगे से यूटर्न भी मारना है, यूटर्न मतलब उस रोड पे जाना है हमें, ठीक है? बट अभी आपको क्या करना है जब मैं बताऊंगा, अभी चलने दो। चौराहे से 50 मीटर पहले आपको राइट का सिग्नल दे देना है, चौराहे से 50 मीटर पहले आपको राइट का सिग्नल देना है, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियां अलर्ट हो जाए, उनको ये क्लियर हो जाए कि ये कार हमारी राइट टर्न होगी। अब आप राइट का सिग्नल दो नीचे को, हो गया? अब राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे रहना चाहिए, लेफ्ट वाला क्लच पे। धीरे धीरे कार को राइट की तरफ मूवमेंट करो, धीरे धीरे, हाँ एकदम धीरे धीरे। ये सामने जो आपको गोल चक्कर दिख रहा है, इस गोल चक्कर को पूरा घुमा के राइट टर्न करना है, ठीक है? जाने दो, हाँ हल्का लेफ्ट आओ, हल्का लेफ्ट आओ, हाँ बस अब राइट रखो, थोड़ा देने दो हॉर्न, देने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, देने दो, बस बस घबराओ मत, हाँ छोड़ो क्लच, हाँ क्लच छोड़ो, चलो अभी टर्न करो, जाओ टर्न करो, टर्न करो, टर्न करो, टर्न करो, और घुमाओ, बस इससे ज्यादा नहीं, घूम ही रहने दो। हाँ अब स्टीयरिंग सीधी करनी स्टार्ट करो, और सीधी करो फटाफट, जल्दी जल्दी सीधी हो गई, अरे सीधी तो हो गई मेरे भाई, अभी टेढ़ी पकड़े हो, सीधी करो इधर, हाँ ये सीधा है, हाथी सीधे नहीं रख पा रहे हो मेरे भाई, ये हाथ यहाँ पे घड़ी देखनी आती है तो घड़ी में 3-9 कहाँ लिखा होता है, 3 और 9 किस डायरेक्शन में होता है, तो 3 और ये घड़ी है, अब 3 और 9 पे हाथ रखो, 3 और 9 पे हाथ रखो, 3 और 9 पे, अरे मेरे भाई ये 3 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 12 है। चलो अभी स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, गाड़ी बीच रोड पे मत ले जाओ क्योंकि आप बिगनर हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो,
अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आओ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो जल्दी से। हाँ गियर मेरी तरफ दबा के पीछे खींचो, हाँ पीछे खींचो, अपनी तरफ खींच लिए, चौथा गियर डाल दिया आपने, मेरी तरफ दबा के लगता है, मेरी तरफ दबाओ, खींचो पीछे, ये हो गया सेकंड गियर, छोड़ो क्लच, छोड़ो वरना बंद हो जाएगी गाड़ी, अभी झटके से इंजन बुझ जाएगा, आपने बहुत ज़्यादा समय ले लिया। गियर लीवर को जरा सा भी प्लेन ही रखना है, फिर स्टीयरिंग गलत पकड़ लिया, अभी बताया था मैंने। और इसको बार बार क्यों हटा ले रहे हो वहाँ से, हाँ इसको किस लिए हटा ले रहे हो, सारा खेल स्टीयरिंग का और पैंडल का ही है, अभी स्पीड मेंटेन करो। हाँ अब कार हमारी आ गई सेकंड गियर में, ठीक है। अब मान लो सेकंड गियर में हमें कार को रोकना नहीं है, सेकंड गियर में हमें फर्स्ट गियर की स्पीड करनी है, मतलब कम से कम हमको गाड़ी को धीमा कर लेना है, जितना कम से कम हम स्लो कर पाते हैं। तब देखो अगर आप खाली ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, इंजन बुझ जाएगा, क्योंकि कार आपकी 10 माइनस चल रही है, क्या चल रही है, 10 माइनस। अब अगर आप ब्रेक लगाओ, खाली ब्रेक लगाओ जरा, हाँ और लगाओ, और लगाओ, और अब छोड़ दो ब्रेक, छोड़ दिया जी सर। अभी देखो गाड़ी कितनी स्लो हो गई थी, वापस ब्रेक छोड़ते वापस गाड़ी फिर बढ़ गई जी। अब देखो आधा पैर आपका ब्रेक पे, आधा एक्सेलेटर पे है। कल मैंने आपको कुछ सिखाया था जी। क्या सिखाया था, कि कल से आप शूज निकाल के चलाओगे, ये बात बोली थी, नहीं बोली थी, कम से कम स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन बिना शूज बिना स्लीपर के कार चलाई जाती है, ताकि एक्सेलेटर ब्रेक और क्लच तीनों पैंडल का आपको टच फील आ जाए। दस्ताने पहन के आप टच फोन चला सकते हैं, तो बस बाकी समझदार हूँ मैं, क्या कहना चाह रहा हूँ, जो पैंडल है पैंडल को टच फील 1% 2% दबाना छोड़ना वो जूते में पता नहीं चल पाता, हालांकि शूज पहनने से ग्रिप दबता क्लच बहुत अच्छे से, पर उसका जो पैंडल का फील है, तीनों पैंडल का अलग अलग रोल है, एक्सेलेटर बहुत लाइट है, ब्रेक थोड़ा उससे डार्क, क्लच उसके कई गुना डार्क, क्योंकि क्लच पे ताकत बहुत ज्यादा लगाना है। कार अपनी लेफ्ट ही रखो भाई, आप धीरे धीरे बीच रोड पे पहुंच जा रहे हो, धीरे धीरे बस, हाँ अपना लेफ्ट ही रखना, और इस मिरर को नहीं देखते हो, ये सबसे ज्यादा देखना होता है कार चलाने के लिए, कार की चौड़ाई का, कार की जजमेंट का, कार के लेफ्ट साइड के जजमेंट के लिए ये मिरर बहुत हेल्पफुल है। इस मिरर को अगर आपने देखने की आदत डाली तो आपकी गाड़ी कभी भी लेफ्ट से कहीं ना गड्ढे में जाएगी, ना डिवाइडर पे जाएगी, ना कभी टकराएगी, क्योंकि राइट साइड में तो डियर आप बैठे हो, राइट में नहीं भी देखोगे तो भी आपकी नजर जा रही है, ठीक है। अब आपने देखो बिना क्लच के वहां पे गाड़ी की स्पीड डाउन करी थी, फर्स्ट गियर सेकंड गियर ये पावरफुल गियर होते हैं, इसमें कार को सिर्फ स्टार्ट करके 10-20 कदम 2-4 मीटर चलाना होता है। अब आप सेकंड गियर में चला रहे हो, पर कोई एक्सेलेटर आपने ले रखा है, नहीं ले रखा है, फिर भी कार आपकी चल रही है, क्योंकि ये 4 सिलेंडर की गाड़ी है, 1086 cc का इसका इंजन है, हल्का लेफ्ट आओ, ठीक है, हल्का सा लेफ्ट। अब आपको क्या करना है, पूरा फुल क्लच दबाना है, जल्दी से दबाया करो, अब ब्रेक लगाओ। इसको क्यों छेड़ा आपने, गियर को क्यों पकड़ा, पकड़ने का ज्यादा शौक है क्यों भाई, तो गियर को क्यों टच किया आपने, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं ना, पूरा क्लच नहीं दबाया आपका, दबाए, ठीक है। अब आपने गाड़ी रोक दी, अब आपको इसको करना है फर्स्ट गियर में, फिर गलत तरीके से हाथ लगाया, अभी बताया था, अभी भी गलत तरीके से हाथ लगा रहे हो, हाथ हटाओ, ये फर्स्ट गियर लगा है, ये थर्ड गियर लगा है, अभी मैंने क्या बोला था, हाथ यहां लगाते हैं, यहां इसको पूरा इधर दबा देते, यहाँ लगाओगे ऐसे करोगे, ये लग गया थर्ड गियर, इसको पूरे यहाँ सटा देना है, 1 इंच भी ये, अब लगा फर्स्ट गियर, लगा के दिखाओ फर्स्ट गियर, हाँ उसको ढीला नहीं करना है मेरे भाई, उसको दबा के इधर मेरी तरफ पूरा धकेल के रखो, दबाओ मेरी तरफ, हाँ अब लगाया, हाँ लग गया, उसको ढीला करोगे ऐसे स्प्रिंग, वो थर्ड और फोर्थ के बीच में आ जाता है, समझ गए, अब ब्रेक को फ्री करो, पैर ब्रेक पे ही रहेगा, पैर ब्रेक पे ही रहेगा, फ्री का मतलब ये नहीं कि आप एक्सेलेटर पे जाओ, फिर स्टीयरिंग गलत पकड़ लिया, अभी धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो और अपने राइट वाले मिरर को चेक करो, अपना लेफ्ट ही रखो, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, और लेफ्ट आओ, हाँ अब क्लच को फ्री करो, चलो हल्का सा स्पीड मेंटेन करो, जाओ
फर्स्ट और सेकंड गियर में कार को धीमा भी करना होता है तो उसके लिए फुल क्लच लेना जरूरी है। क्या लेना है? फुल क्लच लेना जरूरी फर्स्ट और सेकंड गियर और रिवर्स गियर में। अगर कार को आप धीमा भी करना चाह रहे हैं, 10% भी ब्रेक लगाना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप पूरा क्लच दबा के ब्रेक लोगे, समझ गए? और थर्ड और फोर्थ गियर में अगर कार को धीमा करना है तो क्लच की जरूरत नहीं है, आप 10-20% ब्रेक लगा सकते हैं बिना क्लच के, ठीक है? अपनी गाड़ी लेफ्ट ही रखना, अपना धीरे धीरे लेफ्ट आ जाओ, हाँ और लेफ्ट आओ, चलो खिसकाओ धीरे से और बढ़ाओ स्पीड और बढ़ाओ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो जल्दी से, फोर्थ गियर डाल दिया, फिर आप अभी सिखाया है भाई एक मिनट पहले आपको, फिर फोर्थ गियर डाल दिया, ये सेकंड गियर है, फर्स्ट लग गया सर। क्यों लग गया? कौन सा गियर मैंने बोला था? क्लच ही नहीं दबाए पूरा यार, कोई नहीं, न्यूट्रल कर दो इसको, न्यूट्रल कर दो गाड़ी, न्यूट्रल कर दो गियर, न्यूट्रल कर दो, छोड़ दीजिए श्रीमान जी, आ जाइए, आपका समय समाप्त हो गया, आ जाइए पीछे उतर के आ जाइए। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।